जाता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्लास लिया था, आज डिप्रिसिएशन से है। डिप्रिसिएशन इंटरमीडिएट में भी आप पढ़े होंगे, रिवाइज करने की बात है और आपके सिलेबस में भी है। डिप्रिसिएशन क्या है आप इसको सबसे पहले जानेंगे। किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे अस्थाई कमी को ह्रास करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अनुसार प्रयोग एवं समय व्यतीत होने के कारण किसी संपत्ति के आंतरिक मूल्य में कमी को मूल्यह्रास करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी संपत्ति के प्रयोग होने से, या यदि नहीं भी प्रयोग करते हैं, समय की समाप्ति हो जाती है, तो वो संपत्ति का आंतरिक मूल्य में धीरे धीरे क्या होती है, कमी आती चली जाती है, और एक समय आता है कि वह बिल्कुल ही नगण्य के रूप में आता है, वह प्रयोग के लायक नहीं होता है, और यह कारण होता है उसका ह्रास के कारण, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। अब मूल्य में कमी के कई कारण होते हैं। आप संपत्ति को यूज करते हैं तो भी उसके आंतरिक मूल्य में कमी होती है, आप यूं ही छोड़ देंगे, बेकार पड़ा रहेगा, उसका यूज नहीं करेंगे तो सोचते हैं कि सर यूज नहीं करेंगे तो उसके लाइफ बरकरार रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ कारण हैं जिसमें से पहला कारण आता है, आप नोट कर सकते हैं, पहला कारण आता है घिसावट। प्रतिदिन संपत्ति के प्रयोग करने से उस संपत्ति में धीरे धीरे घिसावट आती है, और घिसावट आती है तो एक समय आता है कि वह अपनी कार्य क्षमता खो बैठती है और वह संपत्ति बेकार पड़ जाती है। दूसरा कारण है समय की समाप्ति, डेथ ऑफ टाइम। यह भी बहुत फैक्टर है क्योंकि अभी आधुनिक युग चल रहा है, नए नए सामानों में, नए नए टेक्निक के आधार पर नई नई वस्तुओं का आविष्कार होता है, पुराने वस्तुएं क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, उसका समय समाप्त होता है। क्यों नहीं, वह संपत्ति बिल्कुल ही नहीं है, पर नए समय आने के बाद, नई टेक्नोलॉजी आने के बाद वो पुरानी संपत्ति डेड हो जाती है, उसका लाइफ जीरो हो जाता है। बहुत ऐसा एग्जांपल है, जैसे पहले मोबाइल था, अब मोबाइल के स्थान पर टैब ले लेता है, कंप्यूटर था, कंप्यूटर के स्थान पर नए टेक्नोलॉजी के आधार पर टैब आ गया है, लैपटॉप आ गया है, इसको क्या कहेंगे। अब कंप्यूटर समाप्त हो गया है, अब ऑफिस तक ही सीमित रह गया है, डेस्कटॉप में चेंज हो गया है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स आप कैसे ले जा सकते हैं, लोड कर लेते हैं लैपटॉप के आधार पर, जहां चाहते हैं वहां उसका यूज करते हैं। तो इट मीन्स ये समय की समाप्ति, अब उस कंप्यूटर का लाइफ समाप्त हो गया, उस छोटा सा मोबाइल का या कीपैड मोबाइल का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अप्रचलन। अप्रचलन भी यही पॉइंट आता है कि उस चलन से बाहर हो गया, जिसकी चलन पहले मार्केट में खूब था, उसका डिमांड काफी था, अब वह चलन है ही नहीं, नेचुरली क्या होता है, वह अप्रचलित हो जाता है, वह उसका चलन नहीं रह पाता है, नतीजा है कि उसका ह्रास हो गया है, उस संपत्ति का मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। नेक्स्ट है रिक्तिकरण। रिक्तिकरण का मतलब होता है ब्लैंक हो जाना, किसी भी संपत्ति का ब्लैंक क्या होता है, जनरली ये रिक्तिकरण आपका बैंक डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे आप कोयला का खान है, आप कोयला निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, तो एक समय आता है कि वह धीरे 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 वह खाली होता चलाता है, वह खदान खाली पड़ जाता है, उसको किसी दूसरे चीज से उसमें फिलअप कर दिया जाता है,
तो इस तरह से भी वैसे वस्तुओं का रिक्तिकरण होने के कारण डेप्रिसिएशन माना जाता है। नेक्स्ट मानता है बाजार मूल्य में अस्थाई गिरावट। अस्थाई गिरावट कभी कभी ऐसा आता है कि आखिर किसी वस्तु का डिमांड मार्केट में क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, जिसमें से आता है फैशन एंड डिजाइनिंग। फैशन और डिजाइनिंग ऐसा चीज है जो मार्केट में यदि नए फैशन नए डिजाइनिंग का आता है तो नेचुरली उसके मूल्य में कमी आ जाती है और उसका डिमांड नहीं रहता है। नेक्स्ट है दुर्घटना। दुर्घटना भी ह्रास का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी अच्छी वस्तु अच्छी नई वस्तु का दुर्घटना हो जाना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट कर जाना या विभिन्न प्रकार की दुर्घटना हो जाती है जिसके चलते वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उस वस्तु का मूल्य बिल्कुल 1/4 बचता है या 10% बचता है, इस तरह से वस्तुओं का ह्रास होता चला जाता है और कुछ नई वस्तु का उत्पादन नष्ट होता है। अब आगे का इसमें है किसका ऑब्जेक्ट क्या है। यदि ह्रास लागू नहीं किया जाए किसी भी उद्यम में किसी भी वस्तु पर तो क्या होता है, जिसमें से आप ऑब्जेक्ट में लिखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। नंबर 1 पॉइंट आता है सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। वस्तु का प्रयोग होते होते ये पता चलता है कि इस अमुक वस्तु से कितने उत्पादन आप संभव बना पाए हैं। डिप्रिसिएशन कटता है, डिप्रिसिएशन नहीं काटेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, नेट प्रॉफिट पता नहीं चल सकता है। इसीलिए सही उत्पादन लागत का ज्ञात होना आपका ह्रास से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना। अभी हमने कहा कि डिप्रिसिएशन नहीं कटेगा, डिप्रिसिएशन किसी भी वस्तु पर लागू नहीं करेंगे तो शुद्ध लाभ हानि का ज्ञात नहीं हो सकता, वह केवल सकल लाभ ही ज्ञात होगा जो नेट प्रॉफिट नहीं माना जाता है। और व्यवसाय में हमेशा आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिख नहीं पड़ेगा और एक समय आएगा कि आपका व्यवसाय हानि की ओर चला जा सकता है। नेक्स्ट है सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन। अब लाभ हानि का ज्ञात होता है, नेट प्रॉफिट पता चलता है तो व्यवसाय में सही वित्तीय स्थिति आपका बैलेंस शीट बताएगा कि कैसी स्थिति है, अच्छी स्थिति है या खराब स्थिति में है। नेक्स्ट है संपत्ति के पुनः स्थापन। ह्रास का बहुत ही अच्छा फैक्टर बतलाता है, इसका बहुत ही अच्छा उद्देश्य है संपत्ति की पुनः स्थापन। मान लिया जाए कि किसी एक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं जिसका लाइफ आपका 10 साल है, 10,000 की वह संपत्ति है, 10 साल का लाइफ बताता है। यदि 1,000 उसे प्रत्येक वर्ष या 10% उसको मानेंगे प्रत्येक वर्ष स्थायी पद्धति के आधार पर यदि उसको ह्रास काटते हैं तो 10 साल में 10,000 अब उस संपत्ति का मूल्य आप रख सकते हैं। 10 साल के बाद माना कि उस संपत्ति का मूल्य 15,000 हो सकता है तो एट ए टाइम आपको उसमें उस संपत्ति को क्रय करने के लिए मात्र 5,000 आपको लगाना पड़ा, न कि 15,000 एट ए टाइम लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि संपत्ति का पुनः स्थापन आप ह्रास के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी को सुरक्षित करना। अभी हमने कहा नई संपत्ति को क्रय करने के लिए ह्रास के माध्यम से आपको मात्र 5,000 रुपए लगे 10 साल के बाद, तो पूंजी को सुरक्षित आप ह्रास काट करके एक नई पूंजी को आप सुरक्षित रखते हैं और आने वाले समय में या समय के समाप्ति के बाद नई संपत्ति को क्रय कर सकते हैं। नेट ह्रास की वैधानिक आवश्यकता। वैधानिक आवश्यकता कहीं कहीं इसको लीगल भी माना जाता है और मानना भी चाहिए। ह्रास की वैधानिक आवश्यकता, आपको ह्रास नहीं काटेंगे सही सही लाभ हानि ज्ञात नहीं हो सकेगा और आए दिन आपको प्रॉफिट अधिक दिखेगा, नतीजा है कि इनकम टैक्स आपको अधिक देना पड़ेगा।
इसीलिए यह एक वैधानिक आवश्यकता भी है। नेक्स्ट, आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना। हरा साहब काटेंगे तो आयकर में भी आपको छूट मिलती है, इसलिए कहा जा सकता है कि आप अपने आय को ठीक रखने के लिए, लाभ को ठीक रखने के लिए निश्चित तौर पर ह्रास किसी भी वस्तु के लिए रखना करना बहुत जरूरी होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि ह्रास तैयार कैसे किया जाता है। हम क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर देते हैं, आप इसे नोट करेंगे या नहीं तो जिनके पास बुक है आप उस बुक के माध्यम से आप देख सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, कृपया नोट करेंगे। गुप्ता ट्रेडर्स परचेज यह मशीन ऑन January 1, 2012 एट द कॉस्ट ऑफ ₹8,000 and spent ₹2,000 on its installation. The firm rights of depreciation at the rate of 10% per annum by written down value method. Saw the machine account for 4 years in the books of Gupta Traders. The books are closed on 31st December every year. Question को repeat कर देते हैं। Gupta Traders purchased a machine on January 1, 2012 at a cost of ₹8,000 and has spent ₹2,000 on its installation. The firm rates of depreciation at the rate of 10% per annum by written down value method. Saw the machine account for 4 years in the books of Gupta Traders. The books are closed on 31st December every year. सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसमें क्या देखा जा रहा है, मशीन को तो परचेज 8,000 में दिया क्या गया है, पर इसको स्थापित करने में 2,000 लगा है जी। इसीलिए मशीनरी का कॉस्ट इसको 8,000 ना मान करके विथ एक्सपेंस 2,000 कहेंगे तो टोटल आता है मशीन का वैल्यू आपका 10,000। January 2012 में इसको परचेज किया गया है तो इसका अकाउंट बनाएंगे, तो जब परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है, तो जब अकाउंट बना रहे हैं तो 2012 January 1 बैंक अकाउंट ₹8,000 एंड टू बैंक एक्सपेंस हुआ है 2,000 ट्रांसफर के आधार पर, तो टोटल अमाउंट आता है 10,000। एक वर्ष के बाद जब डिप्रिसिएशन 10% कट रहा है, वह भी मेथड बताता है आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। 10,000 का 10% आप यहां शुरू किया गया है, 10% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 1,000।
बैलेंस शीट आपका आता है 9000। बैलेंस शीट को नेक्स्ट ईयर 2013 जनवरी फर्स्ट को उठाएंगे, बैलेंस शीट भी 9000। बाई साइड में लाएंगे 2013 दिसंबर 31 बाई डिप्रिसिएशन से गॉन 10% ऑन पे 9000 इज इक्वल टू 900। इस तरह से बैलेंस शीट 8100। नेक्स्ट ईयर 2014 जनवरी फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 8100। 31 दिसंबर 2014 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑन पेज 8100 इक्वल टू 810। बैलेंस शीट 7290। नेक्स्ट 2015 जनवरी फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 7290 एंड 31 दिसंबर 2015 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑन पेज 7290 इक्वल टू 729। इस तरह से इसका बैलेंस शीट 6561। आपका 4 इयर्स कंप्लीट होता है। आप 2016 में नेक्स्ट ईयर लाते हैं तो इसको बीडी करके बैलेंस बीडी करके छोड़ देना है, तो टू बैलेंस जनवरी फर्स्ट 2016 टू बैलेंस बीडी 6561। इस तरह से मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन का मशीनरी अकाउंट फाइनल होता है।